सेलिब्रेशंस आर ऑन और फेस्टिवल्स का आगाज हो चुका है और साथ में चंडीगढ़ में एग्जीबिशंस का भी। और आज हम हैं होटल ताज में जहां लगी है बहुत ही खूबसूरत सी एग्जीबिशन। तो चलिए हम जानते हैं यहां पे पहुंचे डिज़ाइनर से कि वो क्या खास लेके आए हैं ट्राई सिटी के लोगों के लिए। जैसे कि अब हम एग्जीबिशन के अंदर आ चुके हैं तो सबसे पहले हम एक डिज़ाइनर के पास चलते हैं जो खुद ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने पहले सबसे पहले खुद क्या पहना है और वो क्योंकि इतनी खूबसूरत लग रही हैं उन्होंने अपने सिर से लेके अपने आप को अपने पैर तक सजाया हुआ है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उनसे उनकी कलेक्शन के बारे में। हाय, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। सबसे पहले आपसे आपकी कलेक्शन के बारे में और आज आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कलेक्शन के बारे में एक्चुअली मेरी कलेक्शन इज़ ऑल डिज़ाइंस बहुत डिफरेंट होते हैं, सारे कट बेस्ड होती हैं। व्हाट आई एम वेयरिंग है, हमने न्यू कलेक्शन निकाली है, दैट इज़ फ्लोर लेंथ है, न्यू स्टाइल के फ्लोर लेंथ है। इनमें हमारा स्ट्रेचेबल चूड़ीदार्स होते हैं जिनमें नीज तक लाइनिंग होती है, लेस के चूड़ीदार्स हैं एंड सेंटर कट्स एंड साइड कट्स होते हैं। एंड इसमें फिर आप वॉक करते हो, बैठते हो तो नीचे से चूड़ीदार पूरा बहुत ब्यूटीफुली विजिबल होता है। एंड इसके साथ में हमने फैब्रिक एम्ब्रॉयडरीज करी हैं इसके अंदर, कुछ आप ऐसे देख रहे हो, ये 3D एम्ब्रॉयडरीज हैं जो हमने करी हैं। इसके अलावा आपको हमारे से कलर सीक्वेंस वर्क दिखेगा विच इज़ देयर इन सारीज इन जो पट्टास, जो आई थिंक एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है कंसिडरिंग यहाँ किसी के पास ऐसी चीज़ मिलती नहीं है, इन्वेंटेड बाय अस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको हमसे दिखेंगे गोटा वर्क के भी न्यू कॉन्सेप्ट, इसमें न्यू कॉन्सेप्ट इन गोटा वर्क दिखेंगे। एंड बाकी तो सब कलर्स हैं, सीज़न है। सो दुपट्टाज में भी इनमें न्यू स्टाइल्स निकाले हैं जिन्हें आप काउल दुपट्टाज के नाम से हमने निकाले हैं। तो ये देखा आपने कि ये खूबसूरत से डिज़ाइनर ने हमें बताया कि उन्होंने गोटा वर्क तो दिखाया ही है और साथ साथ में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो है वो दुपट्टे निकाले हैं और नए नए स्टाइल्स निकाले। तो अगर आप भी इस नवरात्रे और दिवाली और इतने सारे फेस्टिवल्स में बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छा लगना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं ऐसे ही किसी डिज़ाइनर की तरफ। मेरा तो मन है कि मैं यहाँ से ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ पर ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए हम एग्जीबिशन की सैर को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक हमने आपको दिखाए थे इंडो वेस्टर्न स्टाइल्स, तो चलिए अब रुक करते हैं थोड़ा सा पंजाबी की तरफ। तो आइए जानते हैं इन्हीं के एक डिज़ाइनर से जो यहाँ पे आए हैं, जो आपके लिए लेके आए हैं प्रॉपर पंजाबी कलेक्शन। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि वो क्या कहना चाहते हैं अपनी इस कलेक्शन के बारे में। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़ मैम। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या स्टाइल लेके आए हैं यहाँ के। वेल, प्रॉपर ट्रेडिशनल पंजाबी सूट्स हैं जिनमें गोटा पत्ती भी है, सारा हाथ का काम है, कोई मशीन वर्क नहीं है। नए स्टाइलिंग में थोड़ी सी कोशिश की है कि पुराना जो चल रहा है गोटा पत्ती है या तिल्ला है या रेशम है, उस सबको नए थोड़े से स्टाइल में एक नए तरीके से सबके सामने रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, और जैसे डिज़ाइनर्स की बात आती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि बड़ा ही महंगा होगा, तो फिर आप क्या कहते हैं कि आपकी जो रेंज है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी? वेल, मेरी रेंज बहुत हाई नहीं है, जैसे बाकी डिज़ाइनर्स होते हैं काफ़ी हाई रेंज लगाते हैं, मेरे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने आप सोच सकते हो कम से कम हो सकता है उतना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, लेकिन इतना है कि हर एक का पॉकेट फ्रेंडली है, हर किसी को इजीली सूटेबल कर जाता है प्राइस। थैंक यू। तो ये देखा आपने, ये कहते हैं कि अगर इस फेस्टिवल आप चाहते हैं इंडो वेस्टर्न नहीं पर प्रॉपर पंजाबी लुक, तो आप इन सूट्स की तरफ रुक कर सकते हैं जो आज भी आउट फैशन बिल्कुल नहीं हुए हैं और बिल्कुल प्रॉपर पंजाबी लुक में आप लग सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और कलर्स भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से यूज़ किए हैं। तो अगर आप भी पंजाबी लुक लेना चाहते हैं तो कीजिए इस एग्जीबिशन की सैर। चलिए अभी तक तो आपने देखा कि आप किस किस तरह लग सकते हैं बहुत खूबसूरत, फिर चाहे वो आपकी वेस्टर्न आउटफिट हो या फिर पंजाबी स्टाइल के
खूबसूरत से कपड़े। तो चलिए अब कपड़ों के बाद बात करते हैं एक्सेसरीज की और घर को सजाने की भी, क्योंकि हर कोई चाहता है इस फेस्टिवल में कि हमारा घर, हमारे साथ साथ हमारा घर भी बहुत खूबसूरत लगे। तो अभी हम आए हैं एक ऐसे स्टॉल में जहाँ बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं घर में सजाने के लिए। आप देख सकते हैं ये पर्ल्स से और ये रोज़ेस हैं, इतने खूबसूरत हैं जिससे आपका घर आई गेस बहुत ही सुंदर लगेगा। और इन्होंने साथ में ये देखो हैंगिंग जो है ये भी बहुत कलरफुल से हैं, आप अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस डिज़ाइनर से कि वो कैसे कैसे आपके घर को सजाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। हाय, वेलकम टू डे एंड नाइट यूज़। सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या क्या लेके आई हैं इस बार घर को सजाने के लिए। दिवाली का दिवाली फेस्टिवल आ रही है एंड ऑब्वियसली घर को और अच्छा एक रूप देने के लिए मैंने बंदरवार तोरण्स हर प्रकार के बनाए हैं, स्टार्टिंग मोती से, वुडन पे एंड फ्लावर्स लेकर के सब अलग 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 एटलीस्ट 35 to 40 वराइटीज़ के तोरण्स और ये हैंगिंग्स है जो आप कहीं भी लगा सकते हो, ऑन एनी एम्प्टी पिलर, मंदिर के पास, कर्टन पे। तो ये एक नया तरह का कंसेप्ट है। एंड तोरण्स आप देखोगे कट ग्लास भी बनाया मैंने, फोल्डेबल तोरण्स है, प्लस फ्लावर्स, वॉशेबल फ्लावर्स पे भगवान मंदिर के लिए एकदम मैंने सब अलग अलग तरह के किस्म के तोरण्स बनाए मैंने। और आपने घर के अलावा ये क्या है ये आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। आजकल की महिलाएं कामकाजी महिलाएं हो गई हैं एंड घर को व्यवस्थित रखने के लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स बनाती हूँ कि जैसे आपकी जो कपड़े हो, अंडरगारमेंट्स हो, सब एक जगह आपको मिल जाए, तो रोज़ रोज़ आपको ढूंढना नहीं पड़े कि कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी है। तो हर तरह के ऑर्गेनाइजर्स है, जैसे साड़ी कवर, ज्वेलरी बैग्स, देन शू बैग्स, ट्रैवलिंग के भी काम आती है, प्लस आपको एकदम व्यवस्थित आपकी अलमारी हर वक्त मिलती है। सो दिस हेल्प यू बींग इन मोर ऑर्गेनाइज एक्चुअली। थैंक यू मैम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस एग्जीबिशन में आप अपने सर से लेके पैरों तक को अपने आप को इतना सुंदर बना सकते हैं कि इस फेस्टिवल आप लग सकते हैं बिल्कुल अलग। और हाँ, अगर अभी तक आपने ऐसी एग्जीबिशन की सैर नहीं की तो आप अभी भी कर सकते हैं क्योंकि ये अभी तक ऑन है। कैमरामैन अमनदीप के साथ प्रभजोत कौर, डे नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।